गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम उसका ब्लॉग पे हम लोग अभी कॉलेज जाने वाला है। कॉलेज जाने के बाद सुबह दस बजे 20 मिनट होने से क्लास है। मैं और मेरा दोस्त और यह भी एक दोस्त है, अभी हम तीनों जाएंगे एक साथ। एक ही कॉलेज में है इसलिए हम लोग एक साथ में जाएंगे। तो कॉलेज जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज का वीडियो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी डालना होगा वीडियो कोई ना कोई। तो चलिए कॉलेज पे जाके मिलते हैं। तो अभी मैं क्लास ख़त्म हो गया है और क्लास और भी है 2:10 के बाद। तो आज का वीडियो में दिखाऊंगा कि पुलिस हेडक्वार्टर आइजोल पे कैसा है और कैसे दिखता है। दिखा दूंगा मैं आइजोल का पुलिस हेडक्वार्टर। हम लोग का कॉलेज का ही आसपास में है जो हेडक्वार्टर। हम लोग का कॉलेज से स्ट्रॉप और पुलिस का हेडक्वार्टर है स्ट्रॉप। चलिए देखते हैं कैसा है पुलिस हेडक्वार्टर। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका है पुलिस हेडक्वार्टर आइजोल का। मिजोरम है, मिजोरम का पुलिस हेडक्वार्टर है बड़ा। तो यही है ये एरिया, ये एरिया है। तो उस तरफ वहाँ पे एक गेट है और वो ऊपर वाला बिल्डिंग वहाँ पे भी जाएंगे। ये रिजर्व ऑफिस ऑफ एमपीआरओ का ऑफिस है ये। तो देखते हैं कैसा है, कैसा दिखता है। तो यहाँ पे कैंटीन है, पुलिस का कैंटीन यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे देखते हैं, पूछेंगे कि जा सकता है कि नहीं वहाँ पे पहले, नहीं तो जेल में डाल देगा ये लोग। तो अभी हम लोग मेन बिल्डिंग पे पहुँच चुका है। तो यही है मेन बिल्डिंग, बहुत ही बड़ा है बिल्डिंग, क्योंकि पूरा मिजोरम का ये हेडक्वार्टर है। तो पूरा का पूरा ये एरिया जो है बहुत ही सुंदर है और इस व्यू यहाँ पे मिलता है। तो देखते हैं और कैसा है। बहुत ही बड़ा है एरिया। तो इस तरफ भी जा सकता है क्या? इस तरफ भी जा सकता है, चलते तरफ इतना हियान। ओ इधर से भी जा सकता है। हाँ, और क्या है क्या क्या नहीं, अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके मारो कैसा है। और ये है बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों अभी पूरा का पूरा घूम चुका है। तो कुछ ना कुछ तो दिखाया है, क्योंकि अभी कॉलेज पे है, कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये लोग भी शायद बोल के कुछ बोलेगा, इसलिए सोचा तो अच्छा से वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे भी है ये नीचे, उस वहाँ पे है ऊपर का शायद, और ये है नीचे। तो हम लोग इधर से जाएंगे तो हम लोग का कॉलेज मिल जाएगा, ये रास्ता। तो अभी हम लोग कॉलेज पे जाने वाला है, क्योंकि ब्रेक ख़त्म होने वाला है, 12:30 में ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग को जाना होगा फिर से कॉलेज। तो वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर देना। ये बोलने का ज़रूरत है कि भाई कर दो अभी तो को लाइक, लाल वाला पीला कर दो। तो दोस्तों अभी हम लोग, मैं फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ। तो कॉलेज के बाद मैं घर पे आ गया। तो अभी मेरा बहुत काम है, खाना खा के हमें जो मेरा कपड़ा वगैरह सब कुछ धुलाएगा, वॉश करने के बाद वही क्या करना होगा वो वीडियो में देखते रहना। तो मुझे अभी कपड़ा धुलाना है, तो यहाँ पे मैं धुलाऊंगा। देखो दोस्तों ये भी धुलाना होगा, ये भी, ये नहीं सही शायद, नहीं सही। देखो दोस्तों इतना सारा कपड़ा है धुलाने के लिए। तो मिलते हैं कि कपड़ा धुलाने के बाद। चलो दोस्तों
ये एक कपड़ा दुलाने का है, देखो इतना सारा कपड़ा है। एक लड़की साहब मुझे कपड़ा दुलाने के लिए, कोई है तो कमेंट नीचे कमेंट में बोलो, कोई शादी करना है तो कपड़ा दुलाने के लिए बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। और भी है अंदर पे रखा था। तो दोस्तों अभी कपड़ा दुलाना खत्म हो चुका है, अभी ड्राई करने के लिए यहाँ पे सूखना होगा, सूखने के लिए यहाँ पे रखना होगा। पूरा रात पूरा दिन पूरा खत्म एनर्जी, इतना सारा दुलाया है थोड़ा, धूप भी चला गया है, देखा तो क्योंकि दिन में कॉलेज था इसलिए बुला नहीं सका, कॉलेज आने के बाद ही बुलाया था। क्या करें, जीएफ गर्लफ्रेंड होता तो जरूर कोई ना कोई हेल्प करके हेल्प करने के लिए आता। अगर किसी को हेल्प करना है तो कमेंट पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा, वहाँ पे डीएम कर सकता है। लड़की लोग, सिर्फ लड़की लोग बोल रहा हूँ, लड़का नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही है, ज़्यादा दिखा नहीं पाया हूँ क्योंकि कॉलेज था और मुझे थोड़ा लेट भी हुआ है क्योंकि कपड़ा धुलाने का, क्योंकि कॉलेज था। और ज़रूर ना ज़रूर संडे या सैटरडे को मैं जरूर ना ज़रूर कुछ ना कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को, इतना बड़ा अच्छा जगह है वो यहीं पे है मिजोरम पे, दिखाने वाला हूँ क्योंकि कॉलेज नहीं होगा उस टाइम पे सैटरडे और संडे। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और मैं उसके पहले बोला था कि एक लड़की है तो मेरे को कपड़ा धुलाने के लिए थोड़ा हेल्प चाहिए मुझे, इसलिए एक लड़की कमेंट मार सकता है, कोई ना कोई मेरा कपड़ा धुलाने के लिए हेल्प करने के लिए ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।